परम शांति। अभी थियरी और कर्म बहुत तरह से ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो रहा है एक साथ में। कि जैसे मैंने बताया था कि जन्म लेने के लिए आत्माओं को एक्चुअली जहाँ उसका कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेना चाहिए, मिलना चाहिए, वहाँ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी, क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं अपने दूसरों के घरों में जाकर अपना धर्म फैलाना चाहती हैं, इसलिए दूसरे धर्म की आत्माएं दूसरों को घर में जाकर जबरदस्ती, उसका कर्म बंधन नहीं है मगर जबरदस्ती वो उस घर में घुस जाती हैं, और वहाँ जो उस घर में जो एक्चुअली थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से जिनको जन्म लेना है वहाँ से वो भगा देते हैं। तो जैसे पहले भी जैसे अनेक राजा ऐसे हुए हैं कि जो जिन्होंने दूसरे धर्म वालों पर अत्याचार किया, अनेकों मार दिया, पीट दिया, तो क्या वहाँ ऐसे ऐसे धर्म वाले क्या उसका कर्म बंधन था? नहीं, नया कर्म है, नया कर्म बंधन, नया कर्म है, कोई पुराना कर्म तो सामने नहीं आया। तो थियरी ऑफ कर्म हर जगह ब्रेक हो जाती है, एक साथ में करोड़ों मर जाते हैं तो वहाँ थियरी ऑफ कर्म काम नहीं आती। जैसे वहाँ वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी में जो वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ना, क्या नाम, जिसने 65 लाख यहूदियों को गैस की चैम्बर में उसने हड्डियां तक गिला दी, जर्मनी का क्या नाम था वो, जो दूसरे जर्मनी का जो शुरू की थी, तो क्या 65 लाख यहूदियों को उनके साथ कर्मबंधन था तो उसने गैस चैम्बर में मिला दिया? नहीं, उसका कर्मबंधन नहीं था, नया किया उसने। तो ऐसी तरह जब सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मारे जाते हैं, जब ये रोग होते थे एक साथ में दुनिया भर में, प्लेग हुआ तो दुनिया भर में करोड़ों मारे जाते हैं, पहले भी मारे जाते हैं, तो ये जो कोई ना कोई होता है या तो नेचुरल वे में ऊपर से सूक्ष्म जगत वाले कहीं करा रहे हैं, वहाँ कर्म बंधन सूक्ष्म जगत वालों का नहीं होता तो भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी करा रहे हैं, या तो इसलिए हर जगह थियरी ऑफ कर्म नहीं आती, कर्म नए कर्म बंधन भी होते हैं, नए कर्म बंधन, जबरदस्ती का खेल, जबरदस्ती का खेल करके उसको नए कर्म बंधन में लाते हैं। परमचंद्र